इतने खड़े खड़े कहाँ सोच रही? इन्हें सोचने की कहाँ जरूरत? आपकी बात पर गौर कर रही हूँ, और क्या? हमारी बात मानो तो अभिन भी वक्त है, अपना केस वापस ले लो। अरे ऐसे कैसे वापस ले लो? कितनी बेइज्जती होगी हमारी। तो बिटिया, अपन रिश्ते में ना इज्जत बेइज्जती नहीं देखी जाती है। मेरी बात मानो तो केस वापस ले लो, दामाद जी से माफी मांग लो और हमारी एक बात गांठ बांध लो। जौन आदमी रिश्ते की कदर नहीं करता है ना, वो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। पहले आप मुझे एक बात बताओ, बिटिया हमारी बात मान लो तो एक नहीं 100 सवाल पूछो। आज आप उनकी तरफ से क्यों बात कर रही हैं? हाँ, आप मेरी सगी हैं कि उनकी? बिटिया हम तुम्हारी सगी माँ हैं, लेकिन गांधारी की तरह आखन पे पट्टी बांध के हम तुम्हारे सारे गलत काम में साथ नहीं दे सकते। तो क्या आप हमारा साथ नहीं देंगी? कह तो दिया बिटिया, जब तक तुम लोगन मर्यादा में रहोगे तब तक हम सगे हैं, और मर्यादा तोड़ दोगे तो हम सगे नाए हैं। बस तो आप कहना क्या चाहती है? क्या आप अपनी बेटी की लड़ाई में उसका साथ नहीं देंगी? रणनीति की लड़ाई में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। महतारी है तुम्हार, पर तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। बेटिया हमारी बात मानो, पति से अलग होके लड़की का कोनो वजूद नहीं होता है। पति से नफरत करके तुमको कोनो ठिकाना नहीं मिलेगा बच्चिया। मुझे नहीं पता माँ, मैंने ठिकाने में काने की नहीं सोची हुई थी। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। ऐसा नर्स मत करो बच्चिया। अरे अपन घर, अपन मरद का चौखट ना हो जाड़ो, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ घुटन रह जाएगी। बिटिया जो चिंगारी तुम लगा रही हो उसे तुम्हारी जिंदगी भस्म हो जाएगी। बच्चिया हमारी बात मान लो, अपने बापू के साथ जाकर माफी मांग लो। आने से पहले आप सबके सब यहाँ से चले जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी बिटिया सोनिया का बताओ, उसको भी अपने साथ ले जाइए। ऐसी लड़की से मेरा कोई नाता नहीं रहेगा, और मैं कल ही जाकर कोर्ट में डिवोर्स फाइल करूंगा। आज से पुराने सारे रिश्ते खत्म, सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता है। और हाँ हाँ, मेरे आने से पहले एक घर छोड़ के चले जाएगा। पापा, सागर यहाँ आया था ना, कहाँ गया वो? क्या बताएं बेटिया, आपका तो लगा था कि सब गड़बड़ होएगा। क्या गड़बड़ होगी पापा? अरे जैसा आप चाहते थे सब कुछ वैसे ही तो हुआ है ना, फिर आप इतने परेशान क्यों? मुझे लगा था कि सब बना बनावा खेल चौपट हो जाएगा। क्या? पहले आप मुझे ये बताइए कि सागर कहाँ है? सागर की वजह से इतना कह रहे बिटिया, कहाँ सोचा था और कहाँ हो गया? पापा क्या हो गया? बिटिया दामाद जी धमकी देख गए हैं तो उनके वापस आने से पहले हम लोग ही घर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो हम लोगों को धक्का मार के यहां से भगा देंगे। वो हम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। धमकी दे रहा था, उसके बाद वो गया कहां? गए हैं अपने रिश्तेदारों के जमानत करावे, आ रहे होंगे अभी थोड़ी देर में। इसका मतलब सब लोग वापस आ जाएंगे जेल से छूटकर? हाँ बिटिया। तो पापा ये तो हमारी हार हुई ना, जी कहां हुई? आप तो कह रहे थे कि हमें हमारा हक मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। क्या बताए बिटिया, सब गड़बड़ हो गई, पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई।
बाजी जो है उल्टी पड़ गई है। घोड़े की अढ़ाई चाल वाली जुगत जो है ना काम नहीं आई। बाजी उल्टी पड़ गई, घोड़े की अढ़ाई चाल, क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मतलब ये कि हम लोग जैसा सोच रहे थे ना वैसा नहीं हो रहा है। क्या सोच रहे थे आप? ये कि सागर के रिश्तेदार लोग जब जेल चले जाएंगे ना तो सागर हमारे पास आई और हमारे पैर पकड़ के हमसे माफी मांगेगा, हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, तब हम उससे कहेंगे कि हमारा जब तुम पैसा वापस देवो ना तब हम तुम्हारे रिश्तेदारों को छुड़वाएंगे, हम अपना केस वापस लेंगे। अगर ये लोग वापस आ गए तो ये लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे। और तो सागर भी मुझे धमकी दे रहा था कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बढ़िया, मैंने हमको सोचा दियो। आप रहने दीजिए, माँ ठीक ही कह रही थी। कहा कहा था नहीं मलकिन? वो कह रही थी कि उनसे चलकर माफी मांग लेते, शायद वो हमें माफ कर दे और शायद कुछ तो ठीक हो। अरे नहीं बिटिया, ये अब इतना सब जो कुछ हुआ है ना, अभी सब होने के बाद माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला है। क्या? हाँ बिटिया, शीतला मैया, आप तो सगर जगत के ज्ञानी हो, आप तो सबई कुछ जानत हो। से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, गलत काम का साथ देना भी तो पाप ही होते हैं, और हमसे यह पाप हो गया है। ये मलिकार और हमारी बिटिया दोनों ने जो जो कहा हम सब किए, अरे उनके मुंह में आकर सब गलत काम हम किए, पर दोनों बाप बेटिया ने आज जो किया है, अरे सब इस सब लोगन को जेल भिजवाए दिए। अरे सोच सोच के हमरी तो छाती फटे जा रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर हम कर भी कर सकते हैं। औरत है ना, औरत के तो यही रूप होते, कभी मेहतारी कभी बेटी कभी मेहरारू कभी बहन। औरत और मेहतारी होने के नाते हम आपसे भीख मांगते हैं, हमार बच्चिया हमार सोनिया की जान बच दो, उसे जीवन दान दे दो। शीतला भैया हमारी ये बिनती सुन लो। इस समय जो है ना हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब समुद्र में तूफान आवा था ना बेटिया तो का कोनो हल्की चीज से नहीं रोका जा सका। लेकिन पापा माफी मांगना कोई हल्की बात तो नहीं? तुम सही कह रहे हो बेटिया, लेकिन इस समय का ना इसमें सब सबका दिमाग जो झल्लाया हुआ है, और उस समय कुछ भी हो सकता अगर तुम सामने पड़ गए हो तो। अरे सामने पड़ने का क्या मतलब? क्या जिंदगी भर आप उनके सामने नहीं आएंगे? बिटिया हम तो यही सोच रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही घर में रह के कभी आपका सामना ना हो, क्या मतलब पापा? हम यहाँ चले जाएंगे। क्या? हाँ बिटिया, जब समुद्र में तूफान आवा था ना तो उसे बचने का यही एक रास्ता है, और तुम्हारी मतारी यहां चले जाएंगे। पापा
मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। आप लोग चले जाएंगे तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। तो तुम सही कहा था बिटिया, लेकिन बात को और हालात को समझने की कोशिश करो। पापा मैं क्या समझूं? आज का सागर का भड़कना, ओ गॉड, मैं तो बहुत डर गई हूँ। देखो बिटिया, डर की या जल्दबाजी में सागर से रिश्ता तोड़ के जाना, वो भी खाली हाथ, ये कोनो समझदारी वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? बस बिटिया चुपचाप गम खाए के पड़ी रहो, तूफान की अपने रफ्तार से गुजर जाएगी। लेकिन पापा आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास तो कोई छत भी नहीं है और आप लोग तो लखनऊ भी वापस नहीं जा सकते। तो हम लोग की चिंता ना करो बिटिया, हम चंदुआ से बात करेंगे, लखनऊ में नहीं तो रायबरेली में कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। बस जैसे ही तूफान गुजर जाए ना, हम लोग कोनो ना कोनो बहाने से यहाँ आ जाएंगे। लेकिन तब तक मैं क्या करूँ? यार बस एक और नाटक करो तुम। मैं नाटक करते करते थक गई हूँ पापा, आखिर कब तक ये छुपा छुपी का खेल चलता रहेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमका कहाँ समझना है, बस अच्छी बहू बन के यहाँ पड़ी रहो। अच्छी बहू बनने के लिए क्या करूँ? घर का काम कर लिया, बर्तन साफ कर लिए, साफ सफाई कर ली, तो सिर्फ भीख मांगना ही बाकी रह गया। बिटिया अगर सच पूछो ना, तो हमरो जमीर गवाही ने दे रहा है कि तुम उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, और सब करने से वो सब तुमको माफ ही करने वाले नहीं है। क्या समझाया है बिटिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हैं। क्या बचाते हम किसी सफीने को, जबकि हम अपनी कश्ती खुद डुबो बैठे। सुनिएगा, ये नंदिनी का घर यही है ना, सामने वाला? हाँ है तो यही। आपको किससे मिलने हैं? हाँ, नंदिनी और उसके घर वालों से। लो आप उन लोगों से मिलने आई और वहाँ पूरा परिवार और नंदिनी कहीं और चले गए। क्या उन्होंने घर छोड़ दिया है? क्या घर नहीं छोड़ा, बल्कि आपको उनसे मिलने के लिए पुलिस थाने जाना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे क्योंकि पुलिस पकड़ के ले गई है उन्हें, इसलिए। जेल में बंद है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही हुआ है, सारे परिवार को पुलिस पकड़ के ले गई हमारी आंखों के सामने, और ये गांव वालों ने तमाशा देखा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मतलब है बिना किसी जुर्म किए पुलिस भला यूं ही किसी को पकड़ के क्यों ले जाएगी? हम कहां कह रहे बिना किसी अपराध के। अरे उन्होंने जुर्म किया है। जुर्म? कौन सा जुर्म? बहुत बड़ा जुर्म, अपनी बहू को मारते थे, पीटते थे। बस आज बहू पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखा आई। कौन सी बहू? लो आपको इतना भी नहीं पता, अरे नंदिनी का छोटा भाई है ना बगोड़ा, शहर से दुल्हन ले आया, और यहाँ ननद रानी नंदिनी उन पर भरपूर जुल्म करने लगी। आपका मतलब है नंदिनी उसे मारती थी? जैसे आपको आश्चर्य हो रहा है ना, वैसा ही हमें भी आश्चर्य हुआ था कि इस विष्णु आवास में आजकल चल क्या रहा है। अरे आप ही बताइए कितना नीच काम है, बहुओं को घर के अंदर बंद करके मारना पीटना। अरे हम तो कहते हैं जो अपनी बहू पर इस तरह जुल्म करते हैं ना, भगवान उसको भी कड़ी सजा दे।
उस बेचारी को इतना पीटा कि उसके तो हाथ पैर में इतनी बुरी तरह चोट आई है। हाँ, अब कैसी है वो? बस जान बच गई, घर में ही है। अच्छा, वैसे आप यहाँ क्या करने आई थी? बस आई तो थी कुछ सोचकर कि नंदिनी और उसके परिवार को मिलूंगी तो बात आगे बढ़ेगी, पर देखिए ना, बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। क्या मतलब? जी बस कुछ नहीं, अब मुझे निकलना होगा। धन्यवाद। हेलो। हाँ दीदी, आप पहुंच गई? हाँ, मैं ठीक तरह से पहुंच तो गई। नंदिनी से मुलाकात हुई? नंदिनी से मुलाकात करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? आज ही उसके पूरे परिवार को डोमेस्टिक वायलेंस के जुर्म में पुलिस स्टेशन लेके गए। अरे दीदी, ये कैसे हो सकता है? मैं नंदिनी के पूरे परिवार को जानता हूँ। अब तेरे जाने या ना जाने से क्या होता है, ये हकीकत है कि वो पूरा परिवार आज पुलिस स्टेशन में है। ये बात आपको कैसे पता चली? जैसे मैं गांव में घुसी, उसकी पड़ोसन मुझे मिली, वही बता रही थी। उसने क्या बताया आपको? यही कि नंदिनी और उसका पूरा परिवार नंदिनी के छोटे भाई की पत्नी पर अत्याचार करते थे, तो उसने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, तो पुलिस ने आके नंदिनी और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया, और आज नंदिनी और उसका पूरा परिवार पुलिस स्टेशन में है। क्या आपको पता है कि कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर गए लोग? गांव के लोकल पुलिस स्टेशन में पूरा परिवार आज बंद है। तू तो यहाँ पोस्टेड था ना, तुझे तो सब कुछ पता होगा। हाँ पता है। तो तू खुद पुलिस स्टेशन में फोन करके क्यों नहीं पता करता कि आखिर सच्चाई क्या है? नहीं, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अभी आप क्या करेंगी? मैं तो वापस आ रही हूँ, और क्या। अरे दीदी, एक बार आप नंदिनी के परिवार से मिल लेती तो। नहीं पंकज, मेरा मन नहीं है उनको मिलने का। तू पहले उनको छुड़ाने के बारे में सोच। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। दीदी, आप एक बार चली जाइए ना उन लोगों से मिलने, उन लोगों को अच्छा लगेगा कि आप उनसे मिलने आई थी। नहीं पंकज, मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, देख अच्छा नहीं लगेगा। तू पहले उनको सबको छुड़ाने के बारे में सोच। ओके दीदी, देखिए ऐसी बात नहीं, जो भी केस होगा वो झूठा और मनगढ़ंत होगा। मैं नंदिनी के परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी अजी साहब से बात करता हूँ। ठीक है, अभी मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ, घर पे आने के बाद बात करेंगे। ओके बाय। प्रायोजक लक्स टॉयलेट सोप, लक्स अब सिर्फ 5 रुपए में, और डाबर गुलाबरी।